नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में अपनी पार्टी जन स्वराज की लॉन्चिंग करने वाले हैं, और इससे पहले उन्होंने ये दावा किया है कि 2 अक्टूबर का दिन बिहार की राजनीति के इतिहास का बहुत बड़ा दिन होगा और उनकी पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी होगी जैसे बिहार के अंदर पहले कभी नहीं। प्रशांत किशोर के इस दावे में कितना दम है, इसको लेकर बिहार के सियासी हलके में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से बिहार के हर जिले में जाकर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे लोग बिहार को न सिर्फ उसका पुराना गौरव वापस लौटवाएंगे, बल्कि बिहार देश की तेजी से विकसित होने वाला राज्य में सबसे आगे बढ़ता नजर आएगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना के दिन जन स्वराज के नेता यानी कि अध्यक्ष नेतृत्व परिषद और पार्टी के संविधान की घोषणा भी की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वे ना तो इस दल के नेता होंगे और ना ही नेतृत्व परिषद के अंदर शामिल होंगे। प्रशांत किशोर के मुताबिक वो पहले की तरह ही दल बनने के बाद भी बिहार की पदयात्रा करते रहेंगे, और उन्होंने ये भी बताया कि दल बनने के बाद अगले साल की शुरुआत में फरवरी और मार्च के महीने में पटना के गांधी मैदान से जन स्वराज बिहार के समग्र विकास की अपना ब्लूप्रिंट जारी करेगा और बिहार के लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे बिहार भी देश की अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। बिहार के हर एक पंचायत का अलग अलग घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। प्रशांत किशोर तमाम दलों को निशाने पर ले रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, और जिस पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को किसी गांव में खड़ा कर दिया जाए तो उन्हें 10 लोग भी नहीं पहचान पाएंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया करती है, लेकिन बिहार में उसकी स्थिति दयनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का कोई भी मजबूत चेहरा नहीं। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि SSS यानी कि शराबबंदी और सर्वे जमीन के साथ स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन की आखिरी कील है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों में है और जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल परे। शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है लेकिन होम डिलीवरी धड़ल्ले से चल रही है। जन स्वराज शुरू से ही शराबबंदी के खिलाफ रहा है और हम ये मानते हैं कि इससे आने वाले राजस्व राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में भी इसको लाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जमीन सर्वे के मुद्दे पर कहा कि सर्वे गांव में झगड़े और संघर्ष की वजह से बन रहा है। नीतीश सरकार के द्वारा किया गया जमीन सर्वे अगले 6 महीने में हर घर और गांव में झगड़े का कारण बनेगा, और हाल ही में घटनाओं ने ये साबित कर दिया है कि स्मार्ट मीटर पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर का उपयोग शुरू किया है और वे इसके खिलाफ हो चुके क्योंकि उनके बिजली के बिल काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने RJD पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि 2005 के बाद से RJD की कोई भी ताकत नहीं बची। RJD उनके गठबंधन को पिछले कई चुनावों में सफलता नहीं मिल पाई है और महागठबंधन की एकमात्र जीत भी नीतीश कुमार के चेहरे पर हुई थी, ना कि RJD के नाम पर हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और NDA ने 176 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाने जा रही है जबकि RJD के पास मात्र 50 सीटों पर प्रभाव। हमारा मुकाबला 176 सीटों वाले NDA से है, ना कि कमजोर हो चुकी RJD से। उन्होंने ये भी बताया है कि लालू यादव अपने दम पर सिर्फ एक बार ही चुनाव जीत पाए। प्रशांत किशोर की नई पार्टी पर JDU के प्रवक्ता अरविंद निशान तंज कसते हुए कहते हैं कि दावा तो शुरू में गांधी मैदान में किया था लेकिन सिमट कर रह गए वेटनरी ग्राउंड के मैदान तक। उन्होंने कहा कि सब समझ में आ जाएगा जब पाला NDA से पड़ेगा। वहीं पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे कहते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी को हल्के में लेना NDA और महागठबंधन दोनों के लिए भारी पड़ सकता है क्योंकि आज बिहार के अंदर PK की पार्टी चर्चाओं में तो आ ही गई है और एक वर्ग ऐसा है जो वर्तमान के राजनीतिक हालात और जाति की राजनीति से नाराज, उसका फायदा प्रशांत किशोर को जरूर मिल सकता है। कई लोगों का ये भी मानना है कि प्रशांत किशोर बहुत सोच समझकर राजनीतिक चाल चल रहे हैं जिसका समय रहते काट खोजना होगा, और फिलहाल लालू प्रसाद यादव की उम्र हो गई और नीतीश कुमार में भी अब वो करिश्मा नहीं बचा। BJP नेतृत्व संकट से बिहार में गुजर रही है जिसकी वजह से PK के लिए एक बड़ा मौका बिहार के अंदर बनता नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी, बने रहे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।